डिस्कस नहीं करके आप 2 बजे तक घर पे 3 बजे तक घर पे मतलब यू नॉट बी बिहाइंड द बार इन ऑल केसेस. ट्रबल सिर्फ आपको रहेगा 3 से 4 घंटे का, इससे ज्यादा ट्रबल नहीं होगा. उसके बाद क्या होगा, चार्जशीट फाइल होगी, 2 महीना लगता है. चार्जशीट मतलब अपनी बाइबल है कि वाई वी आर चार्ज इन दिस सेक्शन, उसको पढ़ के वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अस जब ट्रायल में आएगा तब. और ट्रायल आने को कम से कम 8 से 9 साल लगते हैं अभी भी. कितना भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गया हो, कितना भी स्पेशल अपॉइंटमेंट हुए जजेस को, फिर भी 8 to 9 years लगते हैं. एंड 8-9 साल के बाद एक दिन आपको जज बोलेगा कि चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ, आप एडवोकेट इंगेज कीजिए. तब तक कोई एडवोकेट की जरूरत भी नहीं. उसने भी चार्ज फ्रेम का मतलब होगा कि नाउ ट्रायल है स्टार्ट. चार्ज फ्रेम मतलब मैंने अपने आप को गिल्टी फील नहीं किया, मुझे फंसाया गया. नाउ ट्रायल स्टार्टेड. ट्रायल के टाइम पे वी क्रॉस एग्जामिन ऑल द पीपल एंड वी सी हाउ वी कैन ब्रिंग यू आउट. मैं आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, टू प्रूव अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस अगेंस्ट अ डॉक्टर इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन कंप्लेनेंट. अपना तो डिफेंस है सर, तो कंप्लेनेंट हैड टू प्रूव दैट वी आर रॉन्ग. सेकेंड, अपना प्रिंसिपल ऑफ लॉस इज कि 100 गुनेगार छूट जाएंगे तो चलेगा, लेकिन एक बेगुना को सजा मत. सो दैट द रीजन ऑलवेज बेनिफिट ऑफ डाउट इज गिवन टू द एक्यूज. मतलब जब तक कन्विंस रीजनेबल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट कन्विंस नहीं होता, दे डोंट कन्विक्ट यू. थर्ड, क्रिमिनल एग्जिस्टेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अनलेस एंड अंटिल इट इज ग्रॉस माइन्यूट नेग्लिजेंस के लिए यू शुड नॉट कन्विक्ट अ डॉक्टर, यू शुड नॉट कन्विक्ट. इसके अलावा मैं बोला ना बेनिफिट ऑफ डाउट. बेनिफिट ऑफ डाउट का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक केस के एग्जाम्पल के थ्रू. एक गायने के केस में मैं गया था जहाँ गायने ने एनपीपी किया था अनमैरिड कपल का, और पुलिस ने लड़की ने रेप केस फाइल किया था, तो पुलिस ने डॉक्टर को अरेस्ट किया था बिकॉज उन्होंने लड़की को 16 साल के नीचे पेपर में दिखाया, 15 years 11 months, बिकॉज एनीथिंग बिलो 16 years विद कंसेंट इज रेप. तो डॉक्टर को अरेस्ट किया अंडर 313 विदाउट कंसेंट, क्योंकि वो कंसेंट लड़की का लिया था, शी वॉज माइनर. एंड अदर 312, 313 एंड 201. 201 इज वाइपिंग ऑफ एविडेंस, बच्चू इज एविडेंस ऑफ क्राइम, रेप का क्राइम था. बेल तो मिल गई थी 2 दिन में, लेकिन ट्रायल के टाइम गया हुआ है. ट्रायल के टाइम पे उन्होंने सेटिंग के एडवोकेट को एंगेज किया था गैरिक ने, कि नॉर्मली क्या था, आदमी जब फंसा रहता तो उसको सब भगवान दिखते. वो फंसी हुई थी, उसको किसी ने आके बोला इसका बहुत अच्छा जज से, तो उसने उसको केस दे दिया, लेकिन वो बंदे ने कुछ नहीं किया. आर्ग्यूमेंट के स्टेज तक क्रॉसिंग में उसने कुछ भी काम नहीं किया. नॉर्मली क्रॉस के अंदर हमको एविडेंस निकालना पड़ता है, और आर्ग्यूमेंट के पहले उन्होंने मैडम को बोल दिया कि मैडम 3 साल की सजा लगेगी, मेंटली प्रिपेयर रहना. जैसे अपने को गैस्ट्रिक में पेशेंट को तो पता चल जाता, उनको भी आर्ग्यूमेंट के टाइम समझ गया कि अब तो केस अपने अगेंस्ट में. एंड देन शी केम टू अस और 3 साल का बच्चा उसका. हमने बोला मैडम अब तो राख है, इसमें कहाँ जान डालेंगे. आप ट्रायल के टाइम पे आते तो वुड हैव डन समथिंग फॉर यू, लेकिन बोलते ना कि इम्यूनिटी के ग्राउंड पे वी जस्ट रिफर्ड अ पेपर. एंड आई टेल यू हाउ बेनिफिट ऑफ डाउट हेल्प्स, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हाइल रीडिंग अ पेपर हमको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला. लड़के के एडवोकेट ने, रेपिस्ट के एडवोकेट ने लड़की को कैरेक्टरलेस प्रूव करने की कोशिश की, उसकी सजा कम हो जाएगी ना कैरेक्टरलेस में. तो उसकी लड़की के मुंह से डिपोज कराया था कि आई मेट दिस बॉय इन जून मंथ लास्ट. She told कि I met this boy June month last, उसके अंदर मिली नहीं. I got my menstruation period in July month and she was pregnant in August. Abortion was done in September. ये उसके काम का चीज था कि if she got pregnant, तो she must have pregnant with some other boy. तो characterless proof होता है. हमने उस point को पकड़ा and then with that point we read medical examination, the medical cross को. Medical cross नागपाड़ा police station के medical officer का था. उसके बाद इस patient को उन्होंने 14 दिन के बाद भेजा था. रेप फाइल होने के बाद में सब, तो उनके एग्जामिनेशन में लिखा था देयर इज नो कंक्लूसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस वजाइनल सेंस चेंजेस फाउंड व्हिच कैन कंक्लूड फॉर द दिस पर्टिकुलर एमटीपी व्हाटएवर प्यूरेशन. तो वो एक मतलब मे नॉट बी वर्ड, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट था. और थर्ड पॉइंट हमने देखा कि जो जीपी ने बोला था यूपीटी पॉजिटिव, जिसके वर्जन पे था कि शी वाज प्रेग्नेंट, वो पंचनामा में नहीं था, उसका डिपोजिशन नहीं था. एंड वी आर्ग्यूड इन दिस कोर्ट दैट The girl was not pregnant at all. This was a false case made by the police to fuss a war doctor. This was the argument. And we corroborated all evidences ki deposition mein ladki ne bola ki she got a menstruation period, so she was not pregnant. Humko to ladke se kya lena tha, we were for the doctors.
फिर हमने मेडिकल एग्जामिनेशन की बात किया, हमने यूपीटी की बात किया। आपको मैं बता रहा हूँ वो कोर्ट के अंदर का रियल वाकया, एक चांदेवल जज के पास वन ऑफ द टफेस्ट जज इन अ सेशन कोर्ट, उन्होंने कोर्ट के अंदर बोला था कि मैडम मेरे को मालूम है आपने एमटीपी किया है, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है आपको कन्विक्ट करने का, तो मैं आपको एक्विट कर रहा हूँ और लड़के को 5 साल की सजा दिया। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डाउट, कि है भी और नहीं भी है तो दे शुड नॉट बी कन्विक्टेड। सो क्रिमिनल कोर्ट में वी आर एडवांटेजेस टुवर्ड्स दैट, तो अपने ऊपर केस नहीं होता। लेकिन वर्स्ट सोच के चलो, वर्स्ट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट के बाद डिसीजन आया और डिसीजन में आपको कन्विक्ट कर दिया, तो नॉर्मली सनराइज तक कन्विक्ट करते हैं कि मैं कोर्ट में बैठे रहो शाम तक फ्री। लेकिन वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, 2 साल की सजा देंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं देंगे, 2 साल मैक्सिमम है ना, तो भी एनीथिंग बिलो 3 इयर्स इज बेलेबल ऑफेंस, तो यू विल गेट अ बेल, आपको जेल में नहीं जाना है, वी कैन इमीडिएटली अप्लाई फॉर द बेल, वी गेट अ बेल एंड वी गेट अपॉर्चुनिटी टू अपील अपर कोर्ट। अब अपर कोर्ट में हमने अपील किया, 100% एडमिट हो जाता, अभी तो सेशन भी एडमिट कर रहे हैं, तो वहां और 8-10 साल जाते, कम से कम 8-10 साल जाते। उसके बाद भी आर्ग्यूमेंट में मान लो अपने अगेंस्ट में गया, 2 साल की सजा हुई, तो भी अवेलेबल ऑफेंस है, वी गेट अगेन द बेल एंड वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो टू अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में टाडा का केस अभी तक नहीं आया, आप सोच रहे हो ना, तो अपना आएगा क्या, और 8-10 साल जाएंगे। आज आपकी एज कितनी है, तब तक आप जिंदा होगे या नहीं होगे, लेकिन मैं बोलता हूं आप जिंदा हो, यंगस्टर्स है ना वो तो जिंदा होंगे ना, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि मान लो आपके अगेंस्ट में केस गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको 2 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया, तो आपको बताओ एक बहुत अच्छी चीज, अपना लॉ किसने बनाया, ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स अपने लिए लूपहोल्स बना के रखे थे, एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट है अपने लिए, आप हमेशा याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, और इसमें डॉक्टर एकदम परफेक्टली फिट बैठे। ये एक्ट क्या कहता है कि पर्सन इज रिक्वायर्ड टू द सोसाइटी, अब डॉक्टर इज रिक्वायर्ड टू सोसाइटी, इफ ही इज एल्डरली बाय द टाइम ही विल बी एल्डरली, और थर्ड क्या था कि इट इज फर्स्ट ऑफेंस इन विच ही गॉट कन्विक्टेड, तो इसको जेल में मत रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, इसको बाहर रखो, 2 साल की सजा सुना दी है ना, जेल में बजा दो इसको, अपना काम करने दो, एक प्रोबेशनल ऑफिसर अपॉइंट करो, वो 2 साल तक सिर्फ इसको वॉच करेगा कि ये फिर से गुनाह तो नहीं कर रहा है, तो काय को डर देगा, तो वाई टू वरी टू ब्रदर। एक ही चीज मैं बोलूंगा आपको, लॉ इज रियली गुड फॉर द डॉक्टर्स, रियली गुड फॉर द डॉक्टर्स, जस्ट हैव अ लॉ नॉलेज। वी ऑल्सो बोला ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पलाइन नंबर आप लोग लिख सकते हो मेरा 93, वैसे फॉर्म के ऊपर तो होगा लेकिन फिर भी लिख लो, इट इज 9323-9323-44-6163, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये 24 आवर्स वर्किंग नंबर है, 9323-9323-44-6163, ये हेल्पलाइन नंबर भी है, ये 24 आवर्स वर्किंग है, आपको 3 बजे भी आपका कॉल आएगा तो इट विल बी अटेंडेड एंड यू आर गोइंग टू रेस्क्यूड इन एनी गिवन सिचुएशन। आज तक के हमारे अनुभव के हिसाब से नॉट इवन 1% केस हैज गॉन टू द कोर्ट इन 5000+ केसेस विच वी हैंडल्ड। तो और बिंदास आप फोन कर सकते हो, आप बिगर गाइडेंस का अपने दिमाग से जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाता एक्ट नहीं करना एनी गिवन सिचुएशन, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। उसके अलावा मेडिको लीगल कोर्स है, अगर आप करना चाहो तो इट इज 1 ईयर करस्पॉन्डेंस कोर्स, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हमने डॉक्टर भी चालू किया, क्योंकि हम चाहते हैं आपको लॉकर नॉलेज हो, उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 13-14 हज़ार रुपये खाली है, वो भी खाली बुक्स के कॉस्ट है, एडमिशन कॉस्ट है, एग्जामिनेशन कॉस्ट है, 2 एग्जाम होगी 6 मंथली में, वी आर गोइंग टू ट्रेन यू अप टू द कोर्ट, मतलब आपको ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आंसरिंग नोटिस, आपको कंज्यूमर कोर्ट में अलाउ है, एक्ट ने अलाउ किया, आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइट कर सकते हो अपने लिए या डॉक्टर्स के लिए या पेशेंट के लिए, आप मेडिकल काउंसिल में फाइट कर सकते हो पैरेलल प्रोफेशन करके, लेकिन हम आपको कोर्ट तक तैयार करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े रहो, देखो कैसा होता है, एक बार आपने कर लिया तो अगला केस आप कर सकते हो। वी वॉन्ट दैट आवर एवरी सिंगल डॉक्टर शुड बी एजुकेटेड इन द लॉ, एटलीस्ट बेसिक मेडिकल लॉ, सो दैट ही कैन डू अ कॉन्फिडेंट प्रैक्टिस। So you can do that PGDM course, that is post graduate diploma in medical legal sciences, and you can be a part of medical legal services.
हमारे सर्विस का चार्ज ज्यादा नहीं है, कंसल्टेंट की रेट इज 10,000 रुपीज ईयरली चार्जेस, उसके अंदर एडवोकेट चार्ज, ड्राफ्टिंग चार्ज, डॉक्यूमेंट चार्ज, इंसिडेंट सारे चार्ज आ गए। एक बार आपने हमारे साथ जुड़ लिया तो भी कितने भी केस हो तो नेशनल कमीशन में मेरा पर्सनल चार्ज 1.5 लाख रुपए है, मैं फाइट करता हूँ। लेकिन अगर आप हमारे पार्ट है तो आपके लिए फ्री है, नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन भी आपके लिए फ्री है, मतलब उसके अलावा कंटिन्यूअसली ईयरली अपग्रेडेशन आपको अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए 5,000 रुपीज है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। ब्रदर्स आई रियली थैंक यू ऑल पीपल फॉर गिविंग मी अ टाइम टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल वॉट एवर आई हैव गॉट। In future, whenever we get an opportunity, we will again share some new experiences, not only in medical law, but even in a motivational part also. We take a lecture for the doctors, how to increase their practice, how to lead a peaceful life. So, uske liye bhi kabhi hamari mulaqat hogi, definitely. I thanks to the college, to the institute, to the hospital authorities who have given so beautiful MBS to us. Thanks to Dr. Andapurkar, unhone ye opportunity diya. Thank you very much. Kuch question puchna hai, to aap puch sakte ho. एक ही चीज बोलूंगा, डरना मना है। डीवीडीज मैं आपको दे रहा हूँ, सभी लोगों ने डीवीडी ले लेना, रिलेशनशिप की डीवीडी है, आप घर पे देखना, अपने फैमिली मेंबर के साथ देखना, इट इज ब्यूटीफुल डीवीडी, ब्यूटीफुल पॉइंट्स वी हैव शेयर्ड, आपके लिए ये बहुत ही पावरफुल डीवीडी है। बाकी डीवीडीज यू कैन आस्क, दैट इज कॉस्टिंग नॉर्मली 700, बट वी बिकॉज फुकट की वैल्यू नहीं है ना, हम लोग सांस लेते हैं तो मैं पूछता हूँ एक मिनट में कितनी सांस लेते हो मालूम है, लेकिन आईसीयू में जाते तो ऑक्सीजन का पे करते हो, फुकट में ना वैल्यू नहीं है। तो बाकी डीवीडीज के लिए इट इज 200 रुपीज, 700 की डीवीडी है, बट वी आर गिविंग डॉक्टर 200 रुपीज, कभी भी आप चाहिए तो ले सकते हो, दिस डीवीडी आई एम गिविंग फ्री ऑफ चार्ज, बट जस्ट सी, बिकॉज फ्री में मैंने देखा लोग देखते नहीं, पैसा देंगे तो देखेंगे, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्री में भी है तो देखना जरूर, एक घंटा देना अपने आपको, इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। बीजेडीएमएल स्कोर्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, not only that, as I told you, I have a support group, so you can write down my number also, my name Dr. Arun Mishra, you can write down my number, you can save as a helpline number in any emergency, 24/7, it is always working, 24/7, 24 hours, so it is 9323446163, I'll repeat my number, you can save it, it is 9323446163. Doctors Medical Legal Services, you can call anytime for any help, you will be rescued at the particular given time, because we are medical legal experts, we know medicine, we know the law, so we can guide you as per the treatment given by you. My friends, only word which I can say you, get united and secured and do a safe practice. Safe practice means practice in present, and have a legal knowledge, because before lawyer become a doctor, it is you who have to become a lawyer to save you. Thank you.